के कहने पर एमक्यूएम इमरान खान की काबीना में शामिल हुई। किसने कप्तान की काबीना में शामिल होने का हुक्म दिया? क्या वाकई एमक्यूएम अपनी मर्जी से काबीना में वापस नहीं गई थी? वाकई वजीर फैसल सब्जवारी के बयान से नई बहस छिड़ गई। वफाकी वजीर और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि मुत्तहिदा को इमरान खान की काबीना में दोबारा शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि एमक्यूएम अपनी मर्जी से इमरान खान की काबीना में वापस नहीं गई थी। फैसल सब्जवारी ने कहा कि दिसंबर 2019 में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान की काबीना से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद मार्च तक इमरान खान की हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहे। फैसल सब्जवारी ने बताया कि अचानक हमें हुक्म दिया गया कि दोबारा इमरान खान की काबीना में शामिल हो जाएं। जब कहा गया कि एमक्यूएम मुतालबात हल हुए बगैर कैसे काबीना ज्वाइन कर लें, तो जवाब में एमक्यूएम के 7 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और टॉर्चर किया गया। फैसल सब्जवारी ने मजीद कहा कि एमक्यूएम को मजबूरन इमरान खान की काबीना में शामिल होना पड़ा।